हमारे पीठ पीछे हुआ जरा सोच समझकर करना, ये रिस्क तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकता है। हम सादगी से झुक क्या गए, तुमने तो हमें गिरा हुआ समझ लिया क्यों? लेकिन एक बात जान लो, समुद्र जब लहरें लेना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि सुनामी आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदराबाद से शीमा सैदा, आपकी दीनी बहन, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने कहना चाहती हूँ। कल जो हमने लाइव हमारे यहाँ से हैदराबाद से यहाँ हमारे गली के ही प्रेसिडेंट विक्टिम ठीक है आए थे, जिन्होंने हाफिज़ हीरा गोल्ड है, जो कि हाफिज़ हीरा गोल्ड है, वो कह रहे थे वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, भोले बिसरे गीत जो कहते हैं वही सुना रहे थे फिर से वापस, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो कंप्लेन नहीं करे उनका ऐसा होगा। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कंप्लेन तो मैंने भी किया था, तो क्या हासिल हुआ? कंप्लेन तो मैंने भी किया था तो क्या मुझको पैसे मिल गए? मैं मुतमईन हो गई, मैं घर पे बैठ गई लेकर पैसे, हुआ क्या? तो लिहाजा मेरे कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स भाइयों बहनों, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा अकल से काम लीजिए। हम अगर देखते हैं लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करते हैं, जब नोहिरा शेख पकड़े गए थी, अरेस्ट हुई थी, जेल गई थी, तब से लेके अब तक इस केस में क्या प्रोग्रेस हुआ? अगर हम दिमाग रखते हैं तो हम थोड़ा सोचेंगे, जहन पे हमारे थोड़ा जोर डालेंगे कि जब से लेके अब तक इस केस में क्या प्रोग्रेस हुआ? नथिंग, सेम। अभी भी नोहिरा शेख जेल में ही है, पैसा आने का नाम नहीं है, अकाउंट सेम फ्रीज है। व्हाट हैपेंड? नो प्रोग्रेस एट ऑल। तो लिहाजा इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल क्या है? क्या कंप्लेन करना मसले का हल है? कंप्लेन करने मसले का हल है तो अगर कोई एक शख्स कंप्लेन करता है कंपनी के ऊपर जाकर, तो भी जितने इन्वेस्टर्स है कंपनी में वो पूरे इसमें काउंट होंगे। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। इस केस में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के केस में डिपॉजिटर्स एक्ट लगा हुआ है। डिपॉजिटर्स एक्ट किसे कहते हैं? डिपॉजिटर्स एक्ट ये करता है कि एक भी आदमी एफआईआर करता है तो कंपनी में जितने भी लोग हैं उनके साथ इंसाफ करता है, चाहे तेलंगाना डिपॉजिटर एक्ट हो, महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटका हो, जो भी हो, हम सबको एक साथ ही पैसा मिलेगा, चाहे कंप्लेन करे हो या फिर नहीं करे हो, यानी कंप्लेनेंट्स नॉन कंप्लेनेंट्स, दैट मीन टू से तमाम इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा। तो लिहाजा कंप्लेनेंट्स ये खुश ना हो कि हम कंप्लेन कर दिए तो हमको पैसा मिलेगा, ये जो प्रॉपर्टी सेल की बात हो रही है उसमें सिर्फ हमारा हिस्सा है, ये अगर आप सोच रहे हैं कंप्लेनेंट्स, अगर मैं कंप्लेनेंट हूँ मैं सोच रहे हैं तो मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। मैं अगर 1,00,000 रुपए लगाती हूँ तो पूरा जो मतलब है कि प्रॉपर्टी बिकेंगी तो वो पूरा डिवाइड होगा 2,00,000 लोगों में, समझ रहे? 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 2,00,000 कस्टमर्स में डिवाइड होगी, उसके बाद पैसा आएगा, ठीक है ना? 2,00,000 इन्वेस्टर्स है, कौन कह रहा है? सीसीएस की रिपोर्ट कह रही है। अगर सिर्फ कंप्लेनेंट्स को पैसा देना होता तो हमारे तेलंगाना में जज जो है महोदय, उन्होंने ये पूछा कि कितने सारे विड्रॉल्स है कंपनी के, विड्रॉल्स लॉ बोलकर ऑर्डर किया गया था, समझ रहे? कंप्लेनेंट्स को देना था तो विड्रॉल्स क्यों मंगाया गया, बोलिए आप लोग। तो लिहाजा पैनिक मत होइए, अगर कोई कंप्लेन नहीं करा या फिर करा, अगर कोई करना चाह रहा तो हम उसको रोकेंगे नहीं,
मर्जी उसकी, उसकी अपनी मर्जी है वो करे या ना करे। लेकिन एक्चुअली क्या है ये जो केस है, ये आप समझिए, तमाम इन्वेस्टर्स को पैसा एक साथ मिलेगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा नोएरा शेख कह रही हैं ये केस में, ये केस एकदम से डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है दूसरे कंपनी से, क्योंकि यहाँ पर नोएरा शेख जेल में है, सीईओ कह रही हैं कि मैं पैसा दूंगी। और लोगों का कहना है कि कैसा देगी पैसा, तेरे अकाउंट में तो 25 CR है। तो क्या पैसा अकाउंट में रख के अचार डालेंगे? कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में लगाएगा ना। तो उसको चांस दो, मौका दो कि वो कहाँ पर रखी है, एसेट्स कहाँ पर है उसके, क्या करेगी बेचारी, कैसे करेगी, कैसा लौटाएगी। वो कह रही है कि मैं, मतलब है कि एफिडेविट डालूंगी, मैं डाली हूँ तो तुम्हारे ही वीडियो में, इनके ही वीडियो में, कल के देखिए आप, ये कह रहे हैं कि इनके वकील ने 3 months का एफिडेविट डाला। तो तुम्हारे लोगों को क्यों नहीं दिखाते हो तुम, तुम्हारे साथ जो जितने भी लोग हो है उनको क्यों नहीं दिखा रहे एफिडेविट, कंपनी की तरफ से जो एफिडेविट डाला गया, दिखाइए ना, हक की बात करिए, सच्चाई के साथ लड़िए अगर लड़ रहे तो आप। रहा सवाल दूसरा कि पैनिक मत हो, ये इसलिए कह रहे हूँ कि इंसाफ तमाम लोगों के साथ होगा, तो हम ये चाह रहे कि जल्दी हो, लेकिन सामने वाला ये चाह रहा कि जितना हो सके उतना लेट हो, लोगों को परेशानी हो, फिर FIR पे FIR करेंगे, फिर CBI इंक्वायरी करेंगे, लोगों के ऊपर झूठ एलिगेशन लगाएंगे कि इनका टेरर लिंक था, फलाना लिंक था, बिस्ताना लिंक था। भाई ये सब करने से अल्लाह के पास तुम जवाबदार हो, सुने ना, तुम इसको एक फाइट कह रहे हो, जिहाद कह रहे हो, नहीं 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 बिल्कुल भी तुम्हारी जिहाद नहीं है, तुम्हारा जिहाद नहीं है, जिहाद तो हम तमाम इन्वेस्टर्स का है जो हम कर रहे हैं तुम्हारे फितने से, तुम्हारे फितने से हम लड़ रहे हैं। तुम एक बहुत ही बड़े फितनेबाज हो, तुम कह रहे हो सलफ के ताल्लुक से, सलफ के औरतों के ताल्लुक से, मर्दों के ताल्लुक से तुम कह रहे हो, तो तुम किस ताल्लुक से, किस मतलब है कि मसलक से ताल्लुक रखते हो? रिसेंटली तुम्हारा एक वीडियो आया था, तुम शिया के मतलब कम्युनिटी में जाकर कुछ बांध रहे थे, तो तुम्हारा कम्युनिटी क्या है, तुम किसको मतलब फॉलो करने वाले, सामने लाओ ना, कहीं तुम मतलब है कि वसीम रिजवी की तरफ तो नहीं हो? वसीम रिजवी हराम खोर इंसान जो कहता है कि हमारी माँ आयशा के ऊपर फिल्म निकाले, कहीं तुम्हारी निस्बत वहीं से तो नहीं पेश करो, तुम किसको फॉलो करने वाले हो? और तुम कहते हो कि तुम्हारा कैरेक्टर असासिनेशन हुआ यहाँ पर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी वाले दलाल तुम्हारा कैरेक्टर असासिनेशन करे बोल रहे। तो तुम्हारा रिसेंटली का वीडियो देखो ना भाई, तेलंगाना की वो औरत के पास जो तुम मतलब है कि गुस्ताखी कर रहे थे, तुम तो अपनी ही दुनिया में दिख रहे थे वो औरत के पास, तुम्हारा खुद का कैरेक्टर वहां पर सामने आया। रहा सवाल तुम मसलक के मतलब है कि सलफ के औरतों का आवाज का पर्दा है कह रहे हो, बड़े ही खैर ख्वाह बन के दिखा रहे हो कि अंदर बैठो, आवाज का पर्दा मत करो, फिर तुम इतने खैर ख्वाह है तो रिसेंटली तुम जाके वहां पर IMA का मतलब जो काम कर रहे हो उसमें औरत को क्यों रखे, वहां पर भी औरत से क्यों काम ले रहे हो? क्यों आपसे काम नहीं चलेगा क्या, नहीं बनेगा आपका काम बिना औरत के, आपका काम नहीं बनेगा क्या? कब तक औरतों के कंधे पे गोली, बंदूक रख के गोली चलाओगे? तुम्हारा जो कौल और अमल है वो दो एक साथ रखोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और तुम मतलब है कि इसमें शायद कामयाब भी होगे। कौल और अमल दो बराबर रखो ना भाई। रहा सवाल तुम लोगों पे एलिगेशन लगाते हो, इतना फितना मचा दिए कि मतलब झूठे इन्वेस्टर को लाकर इन्वेस्टर साबित करा दे रहे। भाई ये सब चीजों का टाइम आएगा जरूर इंशाल्लाह। तुम इन्वेस्टर को नॉन इन्वेस्टर बना दे रहे, नॉन इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बना दे रहे, फितना बर्पा कर दे रहे, कहते हो एक जगह के तुम मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज फार्मूला कर रहे हो, फिर तुम लाते हो CBI इंक्वायरी, फिर लाते हो तुम यहाँ कार्रवाई वहां कार्रवाई, करना क्या चाहते हो तुम? इतनी मतलब है कि क्या कहते हैं इसे, भटकी आत्मा, अनसैटिस्फाइड सोल, ऐसा क्यों बने हुए हो मेरे भाई? सुकून रखो, शांति रखो लाइफ में, नमाजें अदा करो, सुकून रखो अल्हम्दुलिल्लाह, जरा मुतमईन रूह बनो, तुम इंसान बनो। ये क्या है भाई ये तमाशा? हम देखो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह,
हमने सोल्यूशन निकालने की सोची है इंशाल्लाह। तुम अब फिर से तुम अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे तो ये फितना क्या मचा रहे? इससे कोई घबराने वाला डरने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन इंसान है CEO वो ऑलरेडी अरेस्टेड है एंड शी इज रेडी टू पे द मनी। तो यहाँ पर घबराने वाला डरने वाला कौन है बोलो आप? चाहे प्रमोटर हो या फिर MEO या DSA हो, क्या उन लोगों की गलती है? क्या उन लोगों ने पैसे खाए हैं उन सबके? हाँ, उन लोगों ने इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन इन सबकी जो मेन औरत है वो तो अंदर है। शी सेड के पे करेंगी बोलकर, पीपल आर बिलीविंग हर। तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तुमको इतनी घबराहट परेशान? अरे भाई, तुम तो इतने परेशान हो गए मैं जाके CEO से मिलते ही। तुम बोल रहे हो कि हमने देखा हमने देखा, तुमने मिला। अरे भाई, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने तो क्या तुम मिलोगे? बोलो, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे जानना तो है कि वो पैसा देगी नहीं देगी, और ये चल क्या रहा है, मांजरा क्या है, ये तो हमारा मतलब है कि जानना जरूरी है ना। रहा सवाल ये कि तुमने हमारे वीडियोस चुपके से बनाए, लाइव में पहले ले लिए, दूसरे दिन तो हम बनाए थे वो तुम्हारे कहने पर ही, तुमने 100 बार कॉल कर बुलाया दूसरे टाइम। पहली बार तो तुमने हमारा वीडियो एकदम चोरी से लिया था। दिल पे हाथ रखो, अल्लाह से खौफ रखो, खौफे खुदा कहाँ पर है तुम्हारा? तुम हमेशा सबको इस्तेमाल करोगे और अल्लाह तुम्हारे से बदला नहीं लेगा, ये तो नहीं हो सकता, समझ रहे ना? हम तो सैयदजादियाँ हैं, हमारे वालिद साहब हमको कहना हक के लिए लड़ना सिखाए हैं, समझ रहे? हमको कहना मैदान छोड़ के भागना नहीं सिखाए हमारे वालिद साहब। जब तक हम मोमिन बंदे, हम मोमिन जब तक नहीं बन सकते जब तक हम हमारे दीनी भाई का या फिर किसी भी भाई का भाई की मदद ना करें। ये हमारे यानी के लेसन से हमारे पेरेंट्स हमको दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम उलझ किस से रहे हो? जिसके ब्लड में क्या है ना फाइट करना है उनसे उलझ रहे हो तुम? बिल्कुल भी मत उलझो, हल्के में मत लो हमको, समझा रहे हैं आपको। और तमाम इन्वेस्टर्स से गुजारिश ये है कि आप हम सब जब तक एक नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, हम तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि जब तक तुम यूनाइट नहीं होगे तुम्हारे अंदर फितना फैलेगा, लिहाजा हम सबको यूनाइट होना चाहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और क्या है हमारे पुणे एसोसिएशन, ये कैसा कॉम्प्रोमाइज फार्मूला चल रहा भाई मेरे? कॉम्प्रोमाइज किस चीज का चल रहा आपका? रिसेंटली हमने रहमान सर का एक वीडियो देखा था कि हम कॉम्प्रोमाइज हमारा स्टिल मतलब चल रहा, तो ये कॉम्प्रोमाइज है? किसी औरत यानी कि उसका मतलब कैरेक्टर असासिनेशन हो जा रहा, CBI इंक्वायरी के लिए दरखास्त दिए जा रहा, ये क्या 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 कॉम्प्रोमाइज चल रहा तुम लोगों का? समझ के बाहर है भाई, इतनी सारी तादाद में आपसे लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी आप लोग जहां के वहां पर हो, ना तो पावर इस्तेमाल किया जाता है, ना तो कुछ एक्शन लेते आप लोग। आपको बोले तो बड़ी तकलीफ होती, आप लोग बड़े लोग है, समझदार लोग है, देखिए सोचिए समझिए कर क्या रहे हैं, कौन सा कॉम्प्रोमाइज चल रहा भाई? ये नॉट डन रियली। तो लिहाजा तमाम लोग परेशान मत हुए, घबराइए मत इंशाल्लाह। अगर अगली बार कोई और हमारे ताल्लुक से कोई भी बोलेगा तो डेफिनेटली वेलकम, और तुम्हारे वीडियो का पोस्टमार्टम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और वैसे अगर तुमने मेरा नाम लिया है, मैं तो सुनी नहीं, अगर तुमने मेरा नाम लिया है कहीं पर भी, अकेले में हो या फिर कहीं पर भी हो, थोड़ा इज्जत से लेना। मेरा नाम शीमा सैदा है, समझे ना? मेरा नाम शीमा सैदा है, बिल्कुल भी इज्जत से और अदब के दायरे में लेना, वरना जुबा हलक से खींची जाएगी। ये मेरी वार्निंग है, ये मेरी वार्निंग है। मेरा नाम 2008 की जो मेरी आवाज है कानों में गूंज रही होंगी तुम्हारी अभी भी, ठीक है ना? मैं बिल्कुल भी सीधी सादी लड़की हूँ जो हक के लिए मरती हूँ, जान देती हूँ, क्योंकि मेरी रग रग में है ना, मेरी रग रग में, मेरे ब्लड में है ना सच्चाई दौड़। और रहा सवाल मेरे कंप्लेन करने का, वापस लेने का, क्यों भाई तुमको इतनी तकलीफ? इट्स माय लाइफ, इट्स माय इन्वेस्टमेंट, मेरी मर्जी, मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी चॉइस है, मैं कंप्लेन करूं या वापस लूं या नहीं करूं, कुछ भी, इट्स माय चॉइस। तुमको बहुत बुरा लगा अगर मैं नोहिरा शेख से मिली जाकर? तो क्यों क्यों
अगर मैं चले गई तो तुम्हारी कॉन्स्पिरेंसी बाहर लाऊंगी ये बोलकर डर गए भाई। और एक बार मैं वार्न कर रही हूँ, वो जो कोई भी है, दो जो लोग हैं हिफ्स करे हुए, जो अपने आप को हीरा गोल्ड का हिफ्स हाफिज मानते हैं, उन लोगों को कह रही हूँ कि तुम दोनों की उस्ताद हूँ मैं, समझे ना, तुम दोनों की उस्ताद हूँ। और जो कोई भी मेरा वीडियो अपने चैनल पे चलाया है उसको कह रही हूँ, ये मेरी वार्निंग है कि उसे निकाल दे, जल्द से जल्द निकाले, अदरवाइज समझे ना, मेरा जो वीडियो है अपने चैनल से हटाए। इट्स माई वार्निंग टू एवरीवन, जिसके भी चैनल पर मेरा वीडियो है उसे हटा दें, ठीक है। और अगली बार शीमा सईदा का नाम अदब से लिया जाए, नॉन इन्वेस्टर्स को नॉन इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बताए। तुमने क्या है ना, जो जो भी तुमको एविडेंस दिए गए थे उसका गलत इस्तेमाल किया गया, ये तमाम चीजों को तुमको प्रूव करना पड़ेगा, समझे ना, तमाम चीजों को प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारा जो एजेंट था उसके ऊपर मैंने एफआईआर करा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, बहुत बोलते फिर रहा था, अब उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 लोगों को समझाते बैठने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट मैंने कंप्लेन किया है कि सच्चाई क्या है वो बाहर आए, लोगों को हकीकत मालूम हो कि इसकी कौन, ये इसके पीछे कॉन्स्पिरेंसी क्या चल रही है, ठीक है। लिहाजा मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, तमाम जितने भी लोग हैं पैनिक ना हो, टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अन करीब अल्लाह सुबहान व तआला चाहेंगे तो इस मसले का हल निकलेगा। अननेसेसरी टेंशन में मत आइए, जितना सबर करे थे सबर थामे रखिए, इंशाल्लाह हम सब मिलकर तमाम इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। लिहाजा इसीलिए सोल्यूशन टीम बनी गई है अल्हम्दुलिल्लाह, समझे, हम लोग है ना शहद की मानिंदे हम लोग, तमाम इन्वेस्टर्स, उसके अंदर थोड़ा भी सिरका, क्या कहते हैं उसे, गंदगी अगर गिर जाएगी तो हम तमाम के अंदर की जो मिठास है ना वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ये मुहिम चलाए हैं कि एंटी प्रो खत्म हो, हम यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं, आपस के दीनी भाई बहन है। और तमाम इन्वेस्टर से जिसको नोहिरा शेख ने जोड़ा था, फैमिली कही थी वो सिस्टर ने हमारी, ठीक है ना, इंशाल्लाह अल्लाह सुबहान तआला दीन को है ना कभी खत्म नहीं होने देता। क्योंकि वो नोहिरा शेख से जब मैं मिली थी तो उसने यही कहा था कि मैं दीन के नाम पे पैसा ली थी अल्लाह के नाम पे, अगर कोई मेरे पास 1 लाख रुपए डाला है लेकिन अगर उसने 5 लाख कमाया है तो वो 1 लाख मैं उसको जरूर दूंगी लेकिन उसके 5 लाख नहीं खींचूंगी, ये नोहिरा का खौल है। लेकिन तुम क्या चाह रहे हो कि उसके अंदर बर्ड्स एक्ट लगे, फलाना हो और तमाम लोग परेशान हो, तमाम लोग बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम्हारे साथ कोई मांडोली करे। मेरे ख्याल से हिडन तुम्हारे मकासद जो है ना सामने आ रहे, कि शायद मेरे ख्याल से नोहिरा तुमको 2008 में भी नहीं खरीदी थी, 1 लाख में भी नहीं खरीदी थी नोहिरा तुम्हारा, ठीक है ना, नोहिरा शेख तुम्हारा 2008 में 1 लाख में भी नहीं खरीदी थी, तो उसका ग्रज अभी तक निकाल रहे हो ऐसा लग रहा। तो लिहाजा तमाम इन्वेस्टर्स को मैं कह रही हूँ कि प्लीज पैनिक मत हो, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। ये लोग तो हमेशा इल्जाम डालने वाले, ये लोग का कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये लोग पैनिक करते रहते। ये लोगों ने कहा कि हमको पैसा मिलेगा, अरे वो शैतान हो, हमको पैसा मिला, शैतान अल्लाह से डर शैतान, हमको कोई पैसा नहीं मिला। ये बात उतनी ही हक है जो कि अल्लाह सुबहान व तआला है दुनिया में, इतनी ही हक बात यह कि हमको कोई एक पैसा नहीं मिला, बल्कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है इसमें, हमारा वक्त और हमारा पैसा। जो कोई भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएगा अल्लाह जरूर पूछेगा तुम्हारा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमाम मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए बाहर आए हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बाहर आए हैं, तुम जैसे शैतानों से लड़ने के लिए, और अल्लाह काफी है हमारे लिए।